हेलो गाइस, आप देख रहे हो आइटम्स अनबॉक्सिंग और मैच रूम राजपूत। आपके लिए बेहद ही कमाल की तो वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और हमारा गूगल, ये सब क्या इंडिया में बैन हो जाएंगे? तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं बताऊंगा कि कौन क्या बैन होने वाला है और क्या नहीं बैन होने वाला है। देखिए, ये केवल चार एप्स नहीं, काफी जो बाहर जितनी भी एप्स है उन सब पर डंडा मारा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन को आपको मानना ही पड़ेगा और अगर आप नहीं मानेंगे तो हम बैन कर देंगे। इन सारी बड़ी कंपनीज के जो यूजर है वो इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में है, तो ये कंपनीज चाहेंगी कि बैन ना हो और जितने भी रूल्स है वो फॉलो इन्हें करने ही पड़ेंगे। आखिरी में आप देखिएगा, मुझे उन लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा है कि जो टिकटॉक के बैन होने के बाद इंस्टाग्राम रील्स पर गए थे, अब वहां भी खतरा मंडरा रहा है कि वो भी कौन बैन ना हो जाए। और यहां तक सुनने में आ रहा है कि फेसबुक और हमारा जो गूगल है वो कह रहे हैं कि हम आपके रूल्स को फॉलो करने के थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, लेकिन व्हाट्सएप और ट्विटर भी मान लेंगे क्योंकि ट्विटर के भी काफी ज्यादा फॉलोअर्स और जो हमारे क्या कहते हैं यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में इंडिया में, लेकिन व्हाट्सएप वो कुछ ज्यादा ही विवादों पर घिरा है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले से ही व्हाट्सएप काफी ज्यादा विवादों से घिरा रहा है और वो अभी उसने कुछ ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है कि वो कुछ ऐसी चीज करने वाला है कि मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट की बात मान ले। लेकिन हमारा जो गूगल है और फेसबुक है, इन लोगों ने कह दिया कि हम आपके रूल्स को फॉलो करेंगे। काफी लोग इस रूल्स के साथ खड़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं भी खड़े हुए हैं, लेकिन काफी लोग खड़े हुए हैं। और मैंने तो ये भी देखा कि ट्विटर पर ही हैशटैग बैन ट्विटर का हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाया वो काफी सही बनाया क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, देखा होगा कि आपने किसी भी लड़की की न्यूड फोटोज या फिर कोई सेक्सुअल वीडियो को वो लोग पोस्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इन सब चीजों को पोस्ट करता है तो कंपनी को सारा डेटा, उस यूजर की सारी डिटेल्स उन्हें फॉरवर्ड करनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट उस व्यक्ति पर तुरंत के तुरंत एक्शन ले। इसलिए ये रूल जो है वो काफी अच्छा लगा मुझे। देखिए, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा ही हूँ और आप भी खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इस रूल से किसी का घाटा नहीं है, उल्टा फायदा ही है और इससे कहो क्राइम भी कम हो जाए, तो मैं तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले देश है, भारत में बाकी सब। तो कैसा था ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राम।